गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों का इंतजार था कि आप लोगों को रिजल्ट की डेट या फिर आंसर की डेट पता चल जाए, तो उससे क्या है, हम लोग ऑब्जेक्शन करने के लिए या फिर आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो पता चल जाए। फ्रेंड्स, तो देखिए आंसर कीज की डेट आ गई है और आपका रिजल्ट कब आएगा वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपकी जो आंसर की डेट है क्या वो क्या रहेगी वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर जैसे इतने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी की वीडियोस ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो फ्रेंड्स बता दूं, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करते कर सकते हैं। धर्मेंद्र करारे वहाँ पर टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, फ्रेंड्स वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, प्लस टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप किसी भी देखिए मैं कोई भी नोटिफिकेशन बताता हूँ तो उससे पहले आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, जैसे कि हम नोटिफिकेशन देखते देखते भी पढ़ें। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है मेघालय की मुख्य फसल है, तो राइस है, गेहूं है, जौ है या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो एलिमिनेशन करना सीखिए। फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका ए बी सी बच रहा है। तो फ्रेंड्स यहां से आप ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही लोकतक क्या है, लोकतक झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है, केरल में है, असम में है या मणिपुर में। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर टू और आंसर देना है क्या होने वाला है इसका, असम, उड़ीसा, केरल या मणिपुर। ऑप्शन ए बी सी डी करके आप दे सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा किस शहर की सेवा की जा रही है, सिलोन की, कोलकाता की, नागपुर की या पुणे की, तो आपका सिंपली आंसर होने वाला है पुणे की, कोलकाता की, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नोटिफिकेशन, अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप इसको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, हम लोग आ गए हैं द इंडियन एक्सप्रेस पे, जिसने सबसे पहले बताया था कि आपका जनवरी और जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी आंसर कीज और जनवरी की लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उन्होंने ऑफिशियल ये कहा था। तो यहाँ पर उन्होंने कंफर्म कर दिया है, आरआरबी ग्रुप डी आंसर कीज टू रिलीज ऑन जनवरी 11 कंफर्म ऑफिशियली, एक ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया है। और आपका देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आज की डेट दी हुई है 9:42 पर ये और जो न्यूज़ आई है, और देखिए आरआरबी ग्रुप डी आंसर कीज टू रिलीज ऑन जनवरी 11 कंफर्म। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 द आंसर की ऑफ द रेल आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन जनवरी 11 2019, द ऑनलाइन विंडो टू राइज ऑब्जेक्शन विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द रीजन बेस्ड ऑफिशियल वेबसाइट टिल जनवरी 2017 तक आपका ऑब्जेक्शन चलेगा। और ये जो कहा है, किसने कहा है, सेट आरआरबी अंगराजन मोहन, तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा है, तो ये ऑफिशियल जो न्यूज़ है, ओके। और ये यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ के बाद में ये देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी आंसर कीज के बारे में कुछ और लिखा है, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिलीज द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन ऑन जनवरी 11 द आंसर की ऑफ आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन 11 जनवरी 2019, द ऑनलाइन विंडो विल राइज आपका खुल जाए, जो आपका ऑब्जेक्शन की जो विंडो है वो खुल जाएगी और 17 जनवरी तक, ओके कब तक, 17 जनवरी को, और अलग अलग जून में अलग अलग आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यहाँ भी आपने। और ये किसने कहा, अंगराज मोहन ने, द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर ऑन वी फरवरी, तो फरवरी को ये डिले हो गया है, मतलब आपका जो जो जनवरी में इन्होंने बताया था कि जनवरी में जो रिजल्ट था वो जनवरी में आना है, लेकिन उन्होंने बोल दिया अब फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कहने का ये है जो आपका रिजल्ट इन्होंने बताया था जनवरी, लेकिन अब क्या हो गया, आपका फरवरी में आएगा। और अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा है टोटल जो बाकी सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो ऑब्जेक्शन के बारे में, टू राइज ऑब्जेक्शन आरआरबी ग्रुप डी कैंडिडेट हैव टू लॉग इन
आपको लॉग इन करना पड़ेगा आईडी से, ठीक है, अलग अलग आईडी से अलग अलग होगा, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, आपको ऑब्जेक्शन टाइप करना है इन इंग्लिश में, मस्ट बी इन इंग्लिश आपको एंटर करना है, और अलग अलग ऑब्जेक्शन से मान लीजिए कि मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन है और ये आपके ऑब्जेक्शन ए बी सी डी, ओके, आपका आपने ये लगाया तो ऑप्शन, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन ये आपने सही लगाया था, आपने लगाया था, लेकिन वहाँ पर आपको आपको जो यहाँ पर दिया है राइट है बी, यहाँ कॉलम बना हुआ राइट बी और यहाँ पर उसका एक कोड दिया होगा, तो आपको बोलना है, आपको अगर ऑब्जेक्शन करना है, आपको पता है आपका ए सही है तो आपको ये कोड लेना है यहाँ से और उसमें ऑब्जेक्शन और उसके बाद जो जो रीज़न रहेगा क्या रीज़न क्लियरली लिखना है और उसके ही रिस्पेक्टली अल्टरनेटिव में ही आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड ये न्यूज़ थी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 11, आपका जो आंसर की है वो 11 जनवरी को आएगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी में आएगा, कब आएगा, फेब में आएगा, ओके। तो मतलब कहने का ये है इन्हों का कि जो ऑफिशियल इन्होंने बताया था जनवरी, अब वो फरवरी हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, जिस जो भी वीडियो देख रहा है इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी देर पहले ही आई है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा। और अब हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, इसराइल की संसद का क्या नाम है, मोनार्ची है, कांग्रेस है, सुप्रीम पीपल्स है, असेंबली या फिर कैसेट है। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, इसका आंसर है कैसेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में, बेंगलोर में, कोलकाता में, लखनऊ में या पुणे में। तो ऑप्शन ए बी सी डी, क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सी सही है, लखनऊ आंसर रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य राज्य में है। तो बता दूं, देखिए जिसने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, द जंगल बुक का नाम सुना होगा, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, जैकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, जैकवाड़ी बांध जो है कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है या महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये टॉप 500 प्लस जीएस के कोर्स जो आप मैं कोर्स चला रहा हूँ अनअकैडमी पर, और जो मैं इसकी आप जो वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी ऑनलाइन फ्री स्टडी पर, तो वहाँ से आकर इस प्रकार क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो ये तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी वीडियोज ली हैं, 5-7 वीडियोज ली हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह बदनोर, लेफ्टिनेंट जनरल निर्भया शर्मा, चिन्नमनेनी विद्या सागर राव या सत्यपाल मलिक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी बताइएगा क्या, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड देखिएगा जो ऑफिशियल जो मैंने बताया आपको 11 जनवरी है, तो फ्रेंड देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले बताया था हमें कि जो है रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कब आएगा, जनवरी में, तो उन्होंने आप क्या कर दिया, फरवरी कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफिशियल न्यूज़ है इसलिए उन्होंने वो फरवरी कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर नाइन, कनाडा की राजधानी क्या, ओटावा है, अस्ताना है, येरेवान है या टोरंटो है। तो टोरंटो नहीं है, येरेवान नहीं है, अस्ताना नहीं है, तो क्या है, ओटावा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टेन, विश्व वानिकी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, 15 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च या 21 मार्च। तो बताइएगा 15, 23, 25 या 21, सभी में मार्च है, तो बताइएगा क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन और आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को, 14 नवंबर को, 12 फरवरी को या 24 अक्टूबर को। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसी डेट्स आती रहती हैं एग्जाम में, किसी आपका जो पेपर होते हैं उनमें ऐसी डेट्स आती रहती हैं। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 12, 190 मिलियन से अधिक संकलन और सूचना सामग्री के संग्रह के साथ भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। तो लाइब्रेरी का नाम बताना, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल रीडिंग एंड एजुकेशन सेंटर, नेशनल एजुकेशन
रिसोर्स सेंटर या नेशनल लाइब्रेरी? ऑप्शन ए बी सी डी बताइएगा क्या आंसर है। और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ कि आप रिवाइज करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशनल लाइब्रेरी है जिसमें 190 मिलियन से अधिक संकलन है और सूचनाएं की सामग्री है। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? लिटास, मालूति, बातू या बोन? तो आपका आंसर है बोन। क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं तो घमूर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बताना है उड़ीसा का है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है या राजस्थान का है? तो आपका आंसर है उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला निम्नलिखित में से किस शहर में है? इंदौर में है, कोची में है, दिल्ली में, मुंबई में? इंदौर, कोची, दिल्ली, मुंबई। तो आपका सिंपल सा आंसर है दिल्ली। तो फ्रेंड्स आई थिंक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस दोनों अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो को टेस्ट जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो को शेयर करना है तो फ्रेंड्स नीचे दिए जो दिया हुआ तीर का एक निशान सा दिया है आयरो का, उसे शेयर कर सकते हैं कहीं पर अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में एक सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, रेड दिखा रहा है तो उसको दबा दीजिए। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबाइएगा जिससे कि इतनी वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत तुरंत मिल जाए और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।